माय चैनल कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने जा रही हूँ। आप लोग बहुत मुझे बोलते हो कि प्लीज अल्ट्रा लोवेस्ट साड़ी ड्रिपिंग वीडियो बनाओ, तो आज मैंने सोचा बना लेती हूँ। तो आज मैं एक खास तरीके का साड़ी बनाना आपको सिखाऊंगी। साड़ी तो वैसे नॉर्मली मैं आपको सिखाऊंगी, बस उस साड़ी में एक डिफरेंट चीज आपको एड करनी है और उस चीज से ही आपका जो साड़ी का लुक है बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग कैसे उत्तराखंड कुमाऊं कल्चर की साड़ी पहन सकते हो। हाँ जी, उत्तराखंड के कुमाऊं में एक अलग तरीके से साड़ी को पहना जाता है। वैसे तो पल्लू जो हम नॉर्मली यहाँ पे लगाते हैं उसी तरीके से पहना जाता है, बट कुमाऊं में पीछे से पल्लू आता है। और साथ ही साथ एक बहुत खास चीज कुमाऊं में साड़ी के साथ वेयर किया जाता है, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगी। गाइज, ये इसे बोलते हैं पिछौड़ा। पिछौड़ा बोला जाता है कुमाऊं में इसे, और इसे मतलब वहां पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब हर एक चीज में अगर वो लोग साड़ी पहनेंगे कुमाऊं वाले, तो इसको जरूर वियर करेंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ अल्ट्रा लो वेस्ट में कुमाऊं का जो साड़ी ड्रिपिंग है वो आपको सिखाने जा रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, काफी सारे लोग आजकल विदेशों में रहते हैं, बचपन से ही विदेश में चले जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, तो उन लोगों को पता नहीं होता कि उनका कल्चर कैसा है, किस तरीके के उनका वहां का पहनावा है। तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू अगर कोई लोग उत्तराखंड कुमाऊं के हैं तो उन लोगों को भी ये दिखाना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि कैसे वो लोग साड़ी वियर करें कुमाऊं ड्रेसअप में, यानी कि कुमाऊं का जो कल्चर है उस तरीके से साड़ी वियर करें। बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं गढ़वाली हूँ, बट मुझे कुमाऊं का जो ड्रेसअप है, पहनने का जो तरीका है, पिछौड़ा साड़ी, मुझे काफी अच्छा लगता है। तो मुझे लगा आज आप लोग के साथ ये चीज शेयर कर लेनी चाहिए। अगर मेरे भी कोई सब्सक्राइबर कुमाऊं से हैं तो उन लोगों को मेरी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आएगी, और मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है अगर उन लोगों को साड़ी पहनना नहीं आता है या फिर उनको ये पता नहीं है कि पिछौड़ा को किस तरीके से पहना जाता है। तो मैं आज आप लोगों को अपनी इस वीडियो के थ्रू यही दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग कुमाऊं कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है गाइस कि अगर आप लोग बंगाली हो या फिर मराठी हो या फिर मद्रासी हो, कुछ भी मतलब किसी भी कल्चर के हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग दूसरे का कल्चर फॉलो नहीं कर सकते हैं। अगर मैं उत्तराखंड गढ़वाल से हूँ तो मुझे अच्छा लगता है जो बंगालियों का पहनावा होता है, या फिर जो मराठी लोग जिस तरीके से साड़ी वेयर करते हैं मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे नहीं आता है वो चीज। मैं भी उन वीडियोस देख के उन चीजों को फॉलो करती हूँ कि मैं भी उन चीजों को सीखूं। तो मुझे भी लगता है कि अगर आप लोग कोई भी कल्चर के हो, आप लोगों को भी ये पहनावा काफी अच्छा लगेगा और आप लोग भी एक बार जरूर इसे ट्राई करेंगे। तो चलिए, ज्यादा नहीं बोलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप लोगों ने इस साड़ी को पहनना है। ये मैंने येल्लो कलर की साड़ी ली हुई है, तो इसे मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने जो ये कॉर्नर होता है पेटीकोट का, यहाँ पे मैं इसे टक कर लूंगी कुछ इस तरीके से आप, और हमें अच्छे से इसे टक करना है। अल्ट्रा लो वेस्ट में मैं इसे पहन रही हूँ, कुछ इस तरीके से इसे टक कर लेना है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना जो पल्लू है उसे लूंगी कि मुझे कितना पल्लू चाहिए, मतलब पल्लू की जो लेंथ है कितनी चाहिए। तो पहले सबसे पहले मैं पल्लू अपना ले लूंगी यहाँ पे, इसको मैं कुछ इस तरीके से पीछे से लेके ऐसे लेना है हमें, और इस तरीके से आप मैं देखूंगी कि मुझे कितना पल्लू चाहिए। तो मैंने इतना पल्लू यहाँ पे रख लिया है, देख सकते हैं इतनी मुझे इसकी लेंथ चाहिए। तो बाकी जो बचा हमारे पास, बचा गाइस हमारे पास वो बचा हुआ है इतना पार्ट, ये देख सकते हैं आप लोग, इतना पार्ट मेरे पास बचा हुआ है साड़ी का। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, जो ये वाला कॉर्नर है इसको यहां से मैं टाई करूंगी, यानी कि रुको। तो सबसे पहले गाइस मैं यहाँ जो ये वाला पल्लू है इसे यहां से मुझे एकदम टाइटली खींचना है, टाइटली खींचना है, और जो ये नीचे है हमारा यहाँ पे मैं इसे टक कर लूंगी एक सेफ्टी पिन की हेल्प से। यहाँ पे मैंने एक सेफ्टी पिन ले लिया है, यहाँ पे मैं इसे अच्छे से ऐसे टक कर लूंगी ताकि ये लूज ना हो, इसीलिए इसे टक किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हमारा टक हो चुका है और ये बिल्कुल टाइट टक हुआ है। अब मैंने इस तरीके से इसको पकड़ना है और यहाँ पे अपनी प्लेट्स बनाना शुरू कर देना है। तो प्लेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से लूंगी इस तरीके से। प्लेट्स लोग कई तरीके से बनाते हैं, बट मैं छोटे छोटे प्लेट्स बनाना मुझे अच्छा लगता है, अपनी अपनी पसंद है। किसी को बड़ी प्लेट्स बनाना अच्छा लगता है, तो मुझे छोटी प्लेट्स बनाना अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं इसे भी इस तरीके से कसूंगी, जो ये वाला कॉर्नर इसे भी इस तरीके से कसूंगी, और अभी मैं सारे प्लेट्स को पहले सेट करूंगी बराबर है या नहीं है। तो प्लेट्स मेरी सही हैं, बराबर हैं,
से हमें सेट करना है गाइस, क्योंकि हमारी प्लेट्स नीचे से ही अच्छी लगती दिखती हैं, तभी लगता है कि हमने साड़ी बहुत अच्छी वियर करी हुई है। तो थोड़ा इसका बॉर्डर आप लोग देख सकते हैं हैवी, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं कुछ इस तरीके से लेके इसे अच्छे से सेट करूंगी। सेट हो चुका है, ऊपर भी मेरा सेट हो चुका है, और अब मैं इसे तो गाइस जो हमारा ये फर्स्ट वाला प्लेट्स होता है तो हमने इसको थोड़ा सा लूज रखना है इसे, बाकी जो ये हमारे प्लेट्स है इसे हमने थोड़ा सा ऊपर करना है और ये फर्स्ट वाली प्लेट को थोड़ा नीचे करना है। वो इसलिए करना है गाइस ताकि जो हमारी फर्स्ट वाली प्लेट है वो ओपन हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है ये हमारी जो ये वाली प्लेट्स रहती है ये ऊपर हो जाती है तो साड़ी अजीब सी लगती है, मतलब उठी उठी सी लगती है, तो इस वजह से ये वाली प्लेट्स मैंने ऊपर नहीं करनी है, थोड़ी सी नीचे रखनी है और बाकी प्लेट को मैं ऊपर कर लूंगी। प्लेट्स हमारी गाइस रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे अंदर टक कर दूंगी। ये देखिए टक मैंने कर लिया, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, मैं तो बहुत कम प्रेफर करती हूँ यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाना, क्योंकि हमारी साड़ी फट जाती है अगर हम बैठते हैं या फिर चलते भी हैं तो हमारी साड़ी फट जाती है, मेरे साथ हुआ है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। बट अगर आप लोग को कम्फर्टेबल नहीं लग रहा तो आप लोग सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ सेफ्टी पिन आप लगा सकते हैं, वैसे मैं नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन ले रही हूँ, तो यहाँ से सिक्योर कर लिया ताकि हमारे जो प्लेट्स हैं वो थोड़ी सी सड़ रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं गाइस प्लेट्स हमारी बहुत अच्छी बन चुकी हैं। सो गाइस अब आती है बारी पल्लू की, तो पल्लू को ऐसे मैं फिर से सेट करूंगी। ये देखिए ऐसे मैंने पल्लू को सेट किया, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इसे अच्छे से सेट यहाँ पे भी अपने जो प्लेट्स हैं उसे अच्छे से ले लूंगी ताकि प्लेट्स हमारी छोटी बड़ी ना रह जाए। ये देख सकते हैं आप लोग जो ये वाला साइड है यहाँ से कुछ इस तरीके से ये वाला कॉर्नर इसका ऐसे रखना है, और पीछे से ये देखिए पीछे से आप लोगों ने आगे की ओर इसे कुछ इस तरीके से ले आना है। ये देखिए पीछे का आप लोग देख सकते हैं, पीछे का आप लोग लुक देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आप लोग चाहे तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं। तो पीछे से गाइस कुछ इस तरीके से ये पल्लू आएगा हमारा, और आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए आप लोग यहाँ पे दिखाओ, यहाँ पे आपका सारा पल्लू आ चुका है, और आप लोगों ने एक सेफ्टी पिन की हेल्प से इस पल्लू को यहाँ पे टक कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप लोगों ने प्लेट्स के जो नीचे वाली प्लेट्स को थोड़ा सा सेट कर देना है, कुछ सेट करके इस तरीके से सेट करके आप लोग यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं ताकि जो आपका पल्लू है थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ पे मैं एक सेफ्टी पिन ले रही हूँ, ये बड़ी सेफ्टी पिन ले ली मैंने, और इसे मैं यहाँ पे लगा लूंगी ताकि जो हमारा पल्लू है थोड़ा सा अच्छा दिखे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसे आप लोग चाहें तो यहाँ पे ब्लाउज के साइड में एक पिन लगा सकते हैं, अदरवाइज मैं तो नहीं चाहती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसे थोड़ा ऐसे करके गाइस यहाँ पे ऐसे करके, और जो हमारे ये स्लेट्स हैं इसके साइड में इसे टक कर दूंगी, यानी कि जो ये हमारा इतना पार्ट छूट रहा है ना बॉर्डर वाला, तो मैं यहाँ पे इसे प्लेट्स के नीचे इसे इस तरीके से लेके इसको यहाँ पे एक सेफ्टी पिन के हाथ से सिक्योर कर दूंगी। तो अब बारी आती है गाइस पिछौड़ा की, तो पिछौड़ा बहुत ही ज्यादा चौड़ा रहता है, ये देखो इसकी लेंथ आप लोग देखोगे बहुत बड़ा रहता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। तो अब बारी आती है इसकी, तो इसे भी हमने जैसे हम प्लेट्स बनाते हैं उसी तरीके से बनाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसे बनाना है, प्लेट्स के जैसे इसे बनाते हैं, और अच्छे से पहले हम इसे इसके अच्छे से प्लेट्स बना देंगे। गाइस मैंने ये सेट कर लिया है, अभी मैं इसे अपने ऐसे शोल्डर पर रखूंगी जैसे मैंने ये पल्लू बनाया था ना, इसी तरीके से मुझे इसे भी रखना है, और इसको मैं एक सेफ्टी, देखो आप लेंथ देख सकते हो बराबर लेंथ हम इसकी रख सकते हैं, जो इस पल्लू की लेंथ और इसकी लेंथ बराबर रखनी है, और इसे भी मैं एक सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पे सिक्योर कर दूंगी। कर दिए गाइस, और बैक से मैं आपको दिखाती हूँ ये इसका जो पल्लू छोटा हुआ, देखिए आप लोग दिख रहा होगा आपको, और थोड़ा सा हमने इसको भी लूज छोड़ देना है, जैसे मैंने साड़ी का पल्लू छोड़ा था उसी तरीके से मैंने इसे लूज छोड़ देना है, कुछ ऐसे लूज छोड़ना है, और इसको मैं यहाँ पे अपनी साड़ी के यहाँ पे इसे टक कर लूंगी। तो एक सेफ्टी पिन मैं ले रही हूँ, तो इसे इस तरीके से भी अंदर को डाल सकते हैं, बट मेरे को थोड़ा कम्फर्टेबल नहीं लग रहा था इसलिए मैंने डाल दिया, अदरवाइज कोई डालता नहीं है बट मैंने डाल दिया, और ये मैंने फिर इसको इस तरीके से नीचे कर दिया। आप पीछे से आप लोग देख सकते हैं जो
तो गाइज आप लोग देख सकते हैं जो ये पिछौड़ा है ये भी हमने इसी तरीके से पहनना है, कुमाऊं में ऐसे ही पहना जाता है जैसे मैंने साड़ी पहनी है। और गाइज आप लोग चाहें तो इसे इस तरीके से चौड़ा करके यहाँ पे भी टक कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल लूज करके इसे टक कर सकते हैं। जो कुमाऊं में बुड्ढी लेडीजें होती है मतलब एजेड लेडीजें होती है वो इसी तरीके से, मतलब ये दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे इन्होंने जैसे इस तरीके से टक कर देना है, थोड़ा सा इसे लूज छोड़ देना है, इस तरीके से पहनती हैं। बट जो आजकल की लड़कियां हैं या जिनके भी न्यूली मैरिड हुई है तो वो इस तरीके से नहीं पहनती, वो सिर्फ आगे से ही पल्लू को ऐसे लंबे छोड़ते हैं जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले दिखाया था। वैसे कुमाऊं के कल्चर में इसी तरीके से पिछौड़े को पहना जाता है, ये साड़ी का पल्लू हो गया, ये पिछौड़ा हो गया। ये है उत्तराखंड के कुमाऊं का साड़ी पहनने का स्टाइल। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा गाइज। गाइज पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कुमाऊं वाले जिस तरीके से साड़ी वेयर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और मुझे काफी अच्छा लगता है कुमाऊं के तरीके से साड़ी वेयर करना और साथ ही साथ ये पिछौड़ा वेयर करना। तो मैंने उस तरीके का लुक आप लोग के साथ शेयर किया है। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर या फिर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है जो कुमाऊं से बिलोंग करते हैं यानी कि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को भी काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर उन लोगों को इस तरीके से मतलब नहीं आता है तो वो लोग इस तरीके से वेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग भी किसी और स्टेट के हो यानी कि किसी और जगह के हो और आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग भी एक बार जरूर कुमाऊं स्टाइल में साड़ी वेयर करें और साथ ही साथ पिछौड़ा तो आप लोग जरूर करें। अगर आप लोगों के पास पिछौड़ा नहीं है तो आप लोग कुमाऊं स्टाइल में साड़ी वेयर कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखा दिया है, बहुत ही अच्छा लगता है गाइज। तो आई होप गाइज आप लोग को मेरा ये कुमाऊं वाला लुक काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक वीडियो को, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Show Avicii I was cool. We don't talk anymore like we used to.